ऐसे जा रहा है वो बिना सुर बदले बिना फ्रीक्वेंसी बदले वी हैव टू स्विच है ना, उसमें तो टिकना ही है, उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, हल्का सा नीचे आते हैं फिर वापस उसमें भी आ जाते हैं, ये झूल रहा है ना, ये झूलना जो है ये ना हो कि लगाया है तो एक जैसा चलता रहे, है ना, इसको हमें इसको हासिल करना है, ये अभी नहीं आएगा बट वी हैव टू मास्टर दिस। तो फॉरगेट द टेक्निक तक आते आते यानी वो सारी चीजों का ध्यान नहीं रखना है, अब खुद ब खुद हो रही है वो, है ना, जैसे मैं सा लगाऊंगा सा तो मैं अब जानबूझकर सुर को नहीं सुन रहा हूं या जानबूझ के उस स्थिरता पर नहीं जा रहा हूं, नहीं वो खुद ब खुद हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। पंडित अवध किशोर पांडे फाउंडर डायरेक्टर ऑफ SPW, उनके द्वारा लिया गया एक नया इनिशिएटिव संगीत धारा SPW ऐप, अभी उठाइए मोबाइल और डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड iOS और डेस्कटॉप तीनों में अवेलेबल है। कौन सा अक्षर बोल रहे हो आप, तो फिर मुंह तो आपका बन ही नहीं रहा है जैसे कि ऊ बोल रहे हो, क्योंकि ऊ बोल ही नहीं रहे हो, स्पष्ट ऊ आ ही नहीं रहा, आप अंदर से तो ऊ ही बोल रहे हो लेकिन आकार देखिए ऊ का बन रहा है क्या, साउंड ऊ का ही आ रहा है, ऐसे भी ऊ आ सकता है और ऐसे भी ऊ आता है, दोनों तरीकों में ऊ ही आ रहा है, लेकिन जब आकार को स्पष्ट किया, आकार को जैसा होना चाहिए वैसा किया, ऑटोमेटिकली सुर जो है वो एग्जैक्ट निकला, अक्षर का जो प्रोनंसिएशन है डिक्शन है वो प्रॉपर निकला। तो मुंह के शेप का पूरा ख्याल रखिए, है ना, जब अ बोलना है तो अ में भी बोलने को ये पांचों अक्षर ऐसे भी तो बोले जा सकते हैं ना, बिना मुंह खोले भी तो मैं बात कर सकता हूँ, इतना मुंह खोलने की जरूरत है क्या, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूंगा तो भी आपको मालूम तो चल रहा है ना, हर अक्षर में बोल सकता हूँ, अगर जो भी मेरे को बोलना वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पर आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, आएगा क्या, स्पष्टता के लिए अपने आप जैसे ही मुंह खोला देखिए हर एक अक्षर कैसे साफ आ रहा है मुंह से, है ना, क्या क्या इसका कारण क्या है कि ये साफ कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं मुंह खोल रहा हूँ, सीधी बात। तो अगर अक्षरों को साफ लाना है, सुरों की वाकई असर दिखाना है अपने, तो मुंह को बराबर खोलो, हर अक्षर का उच्चारण पूरे मुंह से होना चाहिए, स्वर में फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन समझते हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, आपने हुम जो शुरू किया वो वैसे गया डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला ना बुलजाए लगना चाहिए, यानी एग्जैक्ट वही सुर लगे वो नहीं हुआ, और उसके बाद वो भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो वो कंसंट्रेशन कैसे बनेगा, उसको साथ ही साथ सुनते हुए आंख बंद करके ध्यान से सुनना है, और उसी सुर पर आंख बंद करके अपने सुर को भी सुनना है, दो जगह दिमाग, मल्टीटास्क है ना, मल्टीटास्क यहाँ भी होता है, सुर में भी होता है, लय में भी होता है, हर जगह संगीत में हर काम मल्टीटास्किंग पर निर्भर करता है, या यूं कहें डिवाइडेड अटेंशन पर निर्भर करता है, दो जगह आपको अटेंशन देना ही पड़ता है ना, हारमोनियम का भी सुर सुनना है, अपना भी सुर सुनना है, दोनों सुर को सुनते हुए दोनों की स्थिरता को देखना है कि स्थिर जा रहा है कि नहीं, है ना, अगर मेरी एब्सेंस में सही रियाज करना है तो जो जो पॉइंट्स बता रहा हूं उनको सबको अपने दिमाग में सजग रहकर रियाज करना है, सजग यानी आपको वहीं पर उसी मोमेंट में रहना पड़ेगा, उसी पल में जब उस रियाज को कर रहे हो, उस सुर को लगा रहे हो, तो जो जो मैंने बातें बताई कि ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है, उस सब का रखना है उस समय। लोगों को लगता है कि एफर्टलेस है, एफर्टलेस होता नहीं है वो, है ना, लर्न द टेक्निक, मास्टर द टेक्निक, फॉरगेट द टेक्निक। तो फॉरगेट द टेक्निक तक आते आते यानी वो सारी चीजों का ध्यान नहीं रखना है, अब खुद ब खुद हो रही है वो, है ना, जैसे मैं सा लगाऊंगा सा तो मैं अब जानबूझकर सुर को नहीं सुन रहा हूं या जानबूझ के उस स्थिरता पर नहीं जा रहा हूं, नहीं वो खुद ब खुद हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है ना, आप मुझसे बात करते करते मैं बात करते करते भी तो ये मैं बोतल खोल रहा हूं ना, ऐसे थोड़ी हो रहा है कि अरे रुको ये तो नहीं करना पड़ रहा है मुझे, मालूम है कि इतना कितना प्रेशर लगाऊंगा, ऐसा भी नहीं कि वो प्रेशर भी अब मुझे मालूम ही नहीं कि ऐसे, मुझे मालूम है कि इतने से प्रेशर में खुल जाएगी, है ना, तो सबकॉन्शियसली वो चीज कब हो पाएगी, जब कॉन्शियसली कुछ वक्त तक उस चीज पर फोकस किया जाएगा, है ना, तो हर चीज का ख्याल रखो, सुर सुनते सुनते अपना सुर भी सुनो, दोनों चीजें सुनो, हो जाएगा, है ना, और एक अक्षर से दूसरे अक्षर पे जाते समय सुर बदल रहा है, है ना, ऐसे जा रहा है वो, बिना सुर बदले बिना फ्रीक्वेंसी बदले वी हैव टू स्विच, है ना, उसमें तो टिकना ही है, उसमें भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ, हल्का सा नीचे आते हैं फिर वापस उसमें भी आ जाते हैं, ये झूल रहा है,
है ना, ये झूलना जो है ये ना हो कि लगाया है तो एक जैसा चलता रहे, है ना। इसको हमें इसको हासिल करना है, ये अभी नहीं आएगा बट वी हैव टू मास्टर दिस, है ना। और जब ये करने लग जाओगे तो फिर सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ऐसे जाता है, ये सुर ऐसा जाना चाहिए तो वो हल्की सी वेव आ जाती है वहां पे, वेव नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए सुर की। लय के साथ भी यही कंसेप्ट आ रहे कि वो ऐसा नहीं कि धीरे कभी बीच में ढीली पड़ गई और फिर वापस पकड़ी ली लय, ये नहीं होनी चाहिए। सो वी हैव टू मास्टर दैट, वो धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी जो मैंने बोला था ना बेनिफिट्स में पॉइंट बताया था, सुर की स्टेबिलिटी वो जरूरी है। तो स्टेबिलिटी मतलब ये एक जैसा, ये नहीं चाहिए, ठीक है। सा लगाना है तो हर बार सेम लगाना है, और ये तब हो पाएगा जब सजग रहोगे, हमेशा हर पॉइंट सजग रहना पड़ता है संगीत में। संगीत में विट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो कब चूक जाओगे पता नहीं चलेगा। सुर आपके हाथ में है ही नहीं, लय आपके हाथ में है ही नहीं, कब निकल गई और कब वापस आ गई आपको पता भी नहीं पड़ता है।